हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं जॉन, प्रोप्राइटरी यूनिवर्सल डॉक्टर गोरखपुर। और काफ़ी समय के बाद मैं इस वीडियो को आप लोग के बीच में डाल रहा हूं, क्योंकि कुछ इन दिनों थोड़ी व्यस्तता बड़ी थी, डिलीवरी वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गए थे तो निकाला जा रहा था। अभी समय मिलने के वजह से मैं आपके बीच में ये वीडियो और ये खास जानकारी मैं आप लोग के बीच में लाया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कई फ्रेंड्स के मेरे कमेंट आते हैं, लोग मैसेज करते हैं कि भैया आप रेट क्यों नहीं मेंशन करते हैं, ब्रीड के साथ, पर्टिकुलर ब्रीड के साथ क्यों नहीं उसका फ़ोटो मेंशन करते हैं। तो मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ब्रीड और जो फ़ोटो के साथ या वीडियो के साथ मैं रेट इसलिए नहीं लिखता हूँ, क्योंकि रेट जो है फ्लैक्चुएट करते रहते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, कभी सडनली घट जाते हैं, इस वजह से रेट नहीं लिखा जाता। अगर आप इंटरेस्टेड हो कोई भी ब्रीड लेने में तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में से कोई भी आपसे बात करके उस पर्टिकुलर ब्रीड का जो रेट चल रहा होगा प्रेजेंट में वो रेट आपको बता देगा। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि जो जानकारी मैं आपके लिए बनाता हूँ, हम आपके लिए लेके आते हैं, वो आप तक पहुँचने वाली हो सके फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही खतरनाक डेडली डिसीज़ के बारे में, जिसे हम लोग पार्गो या कैनाइन पार्गो वायरस के नाम से जानते हैं। ये वायरस बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टेड और डेडली वायरस होता है। अगर आपके डॉग को लग जाए तो डॉग की जो है सडन मृत्यु भी हो सकती है, 91% चांस होते हैं डेथ के। यानी ये बीमारी को आप डेडली डिसीज़ कह लीजिए, खतरनाक डिसीज़ कह लीजिए, जानलेवा बीमारी कह लीजिए, ये ऐसी बीमारी होती है। पार्गो वायरस कैसे होता है, क्या क्या सिम्टम्स हैं, इसके सिम्टम्स पे बात करते हैं फ्रेंड्स। तो जनरल सिम्टम्स मैं जो आपको बता दूँ, जो 95% देखने को मिलता है, वो ये होता है कि उल्टी होती है आपके डॉगी को, उसके साथ में जो पॉटी होती है उसको, जो स्टूल पास होता है उसमें ब्लड आता है, यानी खून की जो है पॉटी होना, खून की पॉटी होना, उल्टी होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं डॉग को पार्गो वायरस या पार्गो डिसीज से इन्फेक्टेड है। और दूसरा सबसे मुख्य कारण क्या होता है, अचानक से डॉग सुस्त हो जाता है, कोई भी जो जितना पहले एक्टिव था उतना एक्टिव नहीं होता है, एक जगह लेटा होता है, सुस्त होता है, वीक होता जाता है, आँख से कीचड़ भी निकलने लगते हैं, बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं इस डिसीज़ के। अगर ये सिम्टम्स आपको अपने डॉग में दिख रहा है तो बिल्कुल भी देर ना करें, जल्दी से अपने आसपास की वेटनरी हॉस्पिटल में या वेटनरी डॉक्टर से मिलकर इस चीज़ को कंसल्ट ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको सिम्टम्स बताया है, ये वायरस कैसे होता है, ये वायरस होने के कई कारण होते हैं। सबसे मेन कारण जो मैं देखा हूँ अपने लोगों में या अपने फ्रेंड्स में या अपने मित्रों में, वो कारण ये है कि ये वायरस, यदि आपका डॉग ओवर फीडिंग कर रहा है इस सीज़न में, ज़्यादा खाना खा रहा है, आप उसको लगातार ज़्यादा खाना खिलाते जा रहे हैं और उसका लूज़ मोशन हो रहा है, लूज़ मोशन लंबे समय तक होना पार्गो वायरस का इन्फेक्शन होता है। ये जब लंबे समय तक आपके पपी को लूज़ मोशन हो रहा है तो वो जो वायरस होता है वो इन्फेक्ट कर जाता है आपके डॉगी को। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कारण होता है। उसके बाद और भी कई कारण होते हैं। अगर आप अपने पपीज को केज में रख रहे हैं तो उस बात का बिल्कुल ध्यान दें कि केज प्रॉपर साफ करें, जिस जगह पे आप अपने पपीज को रख रहे हैं वो जगह नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ये बीमारी मक्खियों से भी, एक डॉग को अगर पार्गो वायरस है, उस डॉग को अगर उस डॉग के पॉटी पे वो मक्खी बैठ गई हो, वो मक्खी दोबारा आके जो है आपके डॉग के ऊपर बैठ जाए, यहाँ से वायरस का ट्रांसप्लांट हो जाता है और आपका डॉग भी इन्फेक्टेड हो जाता है। ये इन्फेक्शन बाकी डॉग्स से भी दूसरे डॉग्स में फैलता है। अगर कोई पार्गो वायरस इन्फेक्टेड डॉग अगर रोड से जा रहा है, आप अपने पपी को वहाँ टहलाने लगे, उसके अगर रेंज में आपका पपी, उस इन्फेक्टेड डॉग के रेंज में अगर आपका हेल्दी पपी आ जाए तो ये वायरस तुरंत आपके हेल्दी पपी को भी इन्फेक्ट कर देगा। छोटे बच्चों में जैसे 30 दिन 32 दिन के बाद से लेकर 6 महीने 7 महीने तक के पपीज़ को सबसे ज़्यादा ये वायरस अटैक करता है। ये वायरस से बचने के लिए आप पपी को साफ़ रखिए, पाउडर का ज़्यादातर इस्तेमाल करें, पपी को नीट एंड क्लीन रखिए। अगर आप छोटा पपी है, नहला नहीं पा रहे हैं, तो ड्राई बाथ आते हैं, अलग अलग कंपनी के ड्राई बाथ आते हैं, इस समय हमारे पास दिखा सकते हैं, एक सामने पड़ा हुआ था फ्रेश कोट हिमालय का, ये अगर लगा के साफ करेंगे इससे बॉडी भी स्मेल नहीं करेगी और इन्फेक्शन भी नहीं होगा। इस तरह के अलग अलग कंपनीज़ के और भी आते हैं, हिमालय का हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि बढ़िया ये होता है। तो और भी कई कई तरीके के अलग अलग कंपनी को आते हैं। अपने डॉग को साफ़ सुथरा रखें, नीट एंड क्लीन रखें, गंदगी में ना, कीचड़ में ना लोटने दें। बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा कीचड़ में पपी लोटने लगते हैं तो उसको कीचड़ में भी लोटने ना दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे चीज़ की वैक्सीनेशन प्रॉपर कराएं। 30 दिन के बाद से 32 दिन के बाद से पपी डीपी नाम का वैक्सीनेशन लगता है। 45 दिन के बाद से 7-in-1, 5-in-1, 6-in-1, 8-in-1, 9-in-1 अलग अलग वैक्सीनेशन आते हैं जो पपी को लगता है। प्रीवियस वीडियो में हमने वैक्सीनेशन के बारे में भी विस्तार से बात किया था, आप प्रीवियस की वीडियो को देख के भी जानकारी ले सकते हैं। तो पार्गो वायरस, पार्गो डिसीज़ इज़ अ वेरी डेडली
इन्फेक्टेड डिसीजेस विच कॉज योर डॉग टू डेथ। आपकी पपी को अगर ये इन्फेक्शन हो गया तो 90% डेथ करने के चांसेस बरकरार रहते हैं। तो अगर हर वीडियो में मैंने बोला है फ्रेंड्स, मित्रों, भाइयों, बहनों मेरे, हर वीडियो में हमने बात किया है कि अपने आप अगर पपी खरीदते हैं, परचेज करते हैं, इसकी जिम्मेदारी 95% जिम्मेदारी आपकी होती है, 5% जिम्मेदारी सेलर की होती है। क्यों? क्योंकि सेलर को आपको ब्रीड अच्छा देना है, हेल्दी पपी देना है, ये जिम्मेदारी सेलर की होती है। अगर सेलर, मेरे सेलर मित्र भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़्यादातर कोशिश करें अपने कस्टमर्स को अच्छे हेल्दी पपीज दें, ताकि और पूरा प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे दें। और अगर आप जो डॉग पाले हुए अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने डॉग को नीट एंड क्लीन, स्वस्थ, हेल्दी बनाए रखें। क्योंकि एक बार फॉर्म से जाने के बाद जिम्मेदारी आपकी हो जाती है कि आप किस तरह से अपने पपी को रखते हैं। ले न जाएँ, पूरी तरह से ब्रीडर पर निर्भर ना हो, जानकारी रहते हैं, किसी अच्छी वेटनरी से जुड़ जाएँ, हमसे कॉल पर आप बात कर सकते हैं, हम आपको प्रॉपर जो है इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे कैसे कैसे आगे क्या क्या चीज़ें करना है। वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम करवाएं और अपने पपी को स्वस्थ रहें, आप भी खुश रहें हमेशा। धन्यवाद।